जी ये मुंशी प्रेमचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे फेस्टिवल है, ये उनकी 135th बर्थ एनिवर्सरी है, तो हमारे सर ने 10 दिन में 135 प्लेस कवर किए हैं। ये अपने में एक रिकॉर्ड है कि कोई भी ड्रामा कंपनी एक साथ इतने प्लेस कभी नहीं करता है। और हमारे सर, हमारे गुरु जी रिस्पेक्टेड मुजीब खान सर, उनके हम स्टूडेंट्स हैं मैं और रोजनी, तो हमारा भी इसमें एक प्ले था जो आपने देखा, दिल की रानी। अगर इस प्ले के बारे में हम आपको बताना चाहें तो ये प्ले एक राजा के लाइफ को दर्शाता है जिसका नाम तैमूर था। अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो बहुत ही जालिम, बहुत ही खुकार था, लेकिन उसके बाद जब हबीब हमारी रोजनीन जब उसके ज़िंदगी में आती है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस होते हैं, वो एक कड़क और बेरहम इंसान से कैसे एक सॉफ्ट इंसान हो जाता है, एक ऐसा जालिम इंसान जिसके लिए जो मज़हब, उसका ही मज़हब सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन हबीब आके सिखाता है उसको कि हर मज़हब एक जैसा होता है, हर एक को एक जैसी इज्जत दी जाती है। तो ये प्ले के बारे में है, और एंड में प्ले में रिवील होता है कि हबीब एक लड़की है, लड़का नहीं, लेकिन ये सस्पेंस मुझे पहले से पता होता है। तो इट्स लाइक अ बिट ऑफ फन, बिट ऑफ लाइक एक पूरी जर्नी है हबीब और तैमूर के लाइफ की, कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे उन्होंने इन्हें अपनाया, इनके नक्शे कदम पे कैसे चले, जो इंसान सिर्फ अपनी सुनता था और किसकी नहीं सुनता था, आज उस तैमूर के बाद में आके उन्होंने कैसे सब कुछ परिवर्तन कर लिया, तो ये प्ले ये दर्शाता है। इनफैक्ट ये प्ले बहुत मज़ा आया, मैंने और भी सर के साथ काफ़ी प्लेस किए हैं। ये प्ले में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज थी एज एन एक्टर, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत पतली है और उसको मुझे बहुत हैवी करना पड़ा, और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, अदरवाइज़ प्रैक्टिस होती तो ये प्ले बहुत अच्छा होता। कैरेक्टर में काफ़ी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया गया, मतलब लड़की हूँ मैं, ऑडियंस को रिवील हो जाता है, बट फिर भी ऑडियंस के लिए भी एक मज़ा है, एक इंटरेस्ट है कि लड़की है छुपा रही है, किंग को भी पता है वो भी छुपा रहा है, बट दे आर लाइक उसको शुरू से पता होता है, बिकॉज लास्ट में रिवील होता है कि उसे पता है, तो उसे स्टार्टिंग से रिवील होता है। बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, उसने प्यार में, बट वॉट एवर द रीज़न वॉज, लेकिन वो अपने आप को बदल लेता है और अच्छे काम करने लगता है। सो इट वॉज अ गुड फिल्म ऑल दिस।